हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में, और इस वीडियो में तुमको बताया जाएगा कैसे कौन सा कॉलेज आपको फिल करना है। उससे कॉलेज फिल करने की से पहले तुमको ये जानना होगा कि आपके स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं और कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अगर तुमको वीडियो समझ आए तो वीडियो को तुम लाइक भी कर सकते हो और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सबसे पहले आपका देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपकी देखिए आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देन आपका वेटनरी यूनिवर्सिटी जो तिरुपति में है, देन डॉक्टर वाई एस आर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये तीन यूनिवर्सिटी आपकी आंध्र प्रदेश में है। देन असम में देख सकते हो आप असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट, देन जो बिहार में बिहार का यूनिवर्सिटी है जो आपकी एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देन बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है, देन उसके बाद में बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी जो कि आपकी पटना में है। तो ये हुई आपकी तीन यूनिवर्सिटीज। अब उसके बाद में आती है अपने चित्तौड़गढ़ वाली, आंध्र प्रदेश में तीन हुई, आसाम में एक है आपकी और बिहार में आप तीन है। तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री का भी हम कंक्लूड करेंगे कि आपको इन कोर्सेज के लिए चॉइस फिलिंग कैसे करना, कौन सा कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, और कैटेगरी वाइज भी हम इसमें बताने वाले हैं कि तुमको अभी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो देन आपको सबसे पहले प्रेफरेंस में क्या देना है, अगर आपका रैंक 1000 है 2000 है और आपका अगर होम स्टेट में चाहते हो देन आपको क्या करना है, और अगर आपका एसटी एसटी से बस आपको चाहिए कि कॉलेज मिल जाए देन आपको क्या करना है। तो देखो चित्तौड़गढ़ का आपको पता लग गया दिल्ली में आपका है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो आपकी आईएआरआई जो पूसा वाली है दिल्ली में जो पूसा है नॉट बिहार। उसके बाद में आपका गुजरात, गुजरात में है आपकी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवासरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये कि दानवाड़ा और काठमांडू यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, और एनडीआरआई करनाल। आपका जो भी पीसीएम वाले हैं उसको इसी वीडियो में या उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या कौन सा कॉलेज को प्रेफरेंस देना है और कैटेगरी वाइज, जिससे तुमको पता लग सके। बस आपको लिस्ट बनाते चलना, जैसा जो कॉलेज का नाम बताया उसका लिस्ट बनाते चलना। मुझे लगता है कि आपने पहले भी लिस्ट बनाया होगा जब मैंने आपको हर एक कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज आपका रैंक बताया, तो मैंने आपको बताया था आपका रैंक जितना भी अप्रोक्स मारा है उसके अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट बनाएं। देन आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में देखिए इसका भी पूछा था, तो इसका देखिए सी एस के एच पी कृषि विद्यालय, इसका देखिए 4150 के अप्रोक्स इसका रैंक जाता है जो थर्ड राउंड में ये अलॉट हुआ था। ये तो क्या आपका पालमपुर वाली यूनिवर्सिटी है, तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको पता है कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, हाई बेसिकली क्योंकि उसमें जनरल सीट्स के लिए कॉम्पिटिशन करने के लिए एस सी वाला भी आएगा, एस टी वाला भी, जितना भी है वो सब उसमें कॉम्पीट करेगा। देन हिमाचल प्रदेश के लिए डॉक्टर वाई एस पारमा यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, देन मणिपुर में आपकी जो सेकंड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इम्फाल वाली है। तो अपने जो स्टेट है पहले अगर आपको मार्क्स अच्छा है, अगर आपका मार्क्स रैंक आपका 3000-4000 के समथिंग है, मैक्सिमम 4000 के समथिंग है, तो हम पहले सबसे पहले स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना, और उसका तुमको बताता हूँ अभी तुमको कैसे वो देखना है। इसको जरूर ध्यान से देना कौन सा स्टेट यूनिवर्सिटी है तुम्हारे उसमें। देन उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी आती है जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी। तुमको जैसा कि पता है मैंने आपको ऑलरेडी जो भी 2019 का जो रैंकिंग है जिसमें कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं उसको ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर चुका हूँ, तुम जाके उसको देख सकते हो। वो भी तुमको हेल्प करेगा कि अगर तुम्हारा अच्छा रैंक है 1000-2000 के बीच में, तुमको चाह रहे हो कि मुझे बीएचयू चाहिए, तो उसमें पता है कौन से नंबर पर है बीएचयू। उसके बाद में जो भी टॉप कॉलेजेस होगा आपको बीएससी ये जी लेना, हॉटी लेना, कौन सा लेना है, तो देन उसके बाद में अपने उसको सेकंड पे रखें। और देन उसके बाद में आपको क्या करना है जो मैं अभी बताने वाला हूँ आगे, कि आपको इस साइट पे ऐसे जाना है और ये देखना है, और देन उसके बाद में और आपको क्या करना है, मैं आपको एक
अपना पर्सनल ईमेल आईडी दूंगा, देन आप जो भी 10 to 15 आपकी जो भी चॉइस प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग जो मैंने बता रहा हूँ जैसे तुम उसको भर आपको लिख के और मेरे को सेंड करना है। अगर वो आपकी बिल्कुल राइट है या तुमने वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग करी है तो देन मैं आपको उसके बाद में यस करके रिप्लाई दे दूंगा, देन वो सही होगा तो आप उनको भरोगे। उसके बाद में क्या करना है, जैसे आप 10 to 15 भर दोगे तो उसके बाद जितना भी दे रखा है बिल्कुल एज इट इज़ तुमको भर देना है। अब बताऊंगा किस रैंक से आपको कैसे पहले किसका भरना है, देन अगर इतना रैंक है तो उसके बाद में आपको कैसे भरना है। देखो उसके बाद में आपकी झारखंड वाली देखिए रांची यूनिवर्सिटी, देन आपके कर्नाटका में बेंगलोर धारवाड़ बगलकोट एंड बिडार, ये देखिए ये यूनिवर्सिटीज़ हैं कर्नाटका वाली। देन ये देखिए केरला की 3 यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश में भी हैं आपकी 3 यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र में। इसका जो भी है PDF है जो ये मैं बता रहा हूँ आपको ये अभी जस्ट टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया जाएगा, तो इसको ज़रूर देखना। अगर किसी को टॉप कॉलेजेस चाहिए, अगर अच्छा रैंक है तो देन वो टॉप कॉलेजेस के लिए वो करें, प्रेफर करें पे फर्स्ट। अगर जिसको होम स्टेट में चाहिए और उसका मार्क्स उतना आ रहा है जितना कि लास्ट ईयर वो कॉलेज अलॉट हुआ है तो देन उसके लिए जा सकता है वो। अब उसको चाहिए कि नहीं मुझे होम स्टेट में एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर मिल जाए तो वो दोनों के लिए पहले देखना, देन उसके बाद बोलना। और अगर वो जनरल OBC जनरल से है तो पहले तो उसको तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और प्लस नागालैंड यूनिवर्सिटी, इन चार को तो अगर मार्क्स उसका ऐसा गिरा हुआ है लगभग कि नहीं कोई भी मिल जाए बस, तो भाई उसको जितना भी कोर्सेज इन यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोवाइड कर रखा तो पहले तो उनको बैक टू बैक यही रखना है। जैसे कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ है सेंट्रल, आपका पहला है डॉक्टर RPCU पूसा वाली यूनिवर्सिटी। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक बार और टेलीग्राम पे लिख के डाल दूंगा तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी है आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल वाली, देन आपकी थर्ड यूनिवर्सिटी है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी झांसी और UP में है, और उसके बाद में है एक नागालैंड यूनिवर्सिटी जिसका मिनिमम कट ऑफ जाता है। देन आपको जो भी यूनिवर्सिटी जो 4 यूनिवर्सिटी ये तो मस्ट आपको पुट करना है, ये इस तरह से आपको सेव कर सकती है अगर आपका रैंक है, क्योंकि आपको पता है मैंने आपने आई थिंक जिसने भी मेरे चैनल को फॉलो किया है तो मैंने आपको जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी SC कैटेगरी ST कैटेगरी PWD कैटेगरी तक का भी आपको सेफ जोन बताया है, कॉलेजेस बताया है, किस रैंक तक मिला है आपको, पूरा डिटेल में मैंने वीडियोस को कवर किया है। और मैंने आपको उस टाइम बोला भी था आपको अच्छे से कि आपको पहले एक लिस्ट तैयार करना है अपने अकॉर्डिंग, आपने आई थिंक की भी होगी लिस्ट तैयार, देन आप उसको मेरे उस लिस्ट को आप मेरे मेल पर सेंड करना, मैं आपको मेल अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देन मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपने ये कॉलेजेस राइट कॉलेजेस है। देन आप कीजिए कि एक और ICR डीम्ड यूनिवर्सिटी, देन आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टी, नॉट अ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी है आपकी। देन उड़ीसा में आपकी देखिए और उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड भुवनेश्वर, देन आपका पंजाबी जो पंजाब में है 2 यूनिवर्सिटी, और राजस्थान में देख लीजिए ये अगर आपको कोटा वाली जोधपुर जयपुर बीकानेर उदयपुर और बीकानेर। देन उसके बाद देखिए तमिलनाडु में 3 यूनिवर्सिटी जो आपकी उसके बाद तेलंगाना में 2 यूनिवर्सिटी आपकी जैसे प्रोफेसर जया शंकर, और जो हैदराबाद वाले और उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। उसके बाद में आपकी देन आपकी जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद उत्तराखंड वाली एंड वेस्ट बंगाल वाली यूनिवर्सिटी। आप इसका PDF आपको आई थिंक जो भी बताया मैंने अभी तक इसमें समझ आया होगा, और अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आपका कौन सा आपकी स्टेट में अगर लेना है तो स्टेट की पहले ये देखें कौन सा कॉलेज है आपके, कौन कौन से कॉलेजेस हैं स्टेट में, तो उनको चुन लेना। और इसका PDF जैसे वीडियो कंप्लीट होगा तो मैं इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देन उसके बाद में आपको इस साइट पे आ जाना है checkadmission.com। अब ये साइट तुमको कहाँ मिलेगा, इस साइट का लिंक आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, या नहीं जाके तो आप जो ICR exam.net वाली साइट है तो उसमें एक जैसे डाउनलोड जाओगे तो उसमें लिखा होगा क्लिक हियर फॉर लास्ट ईयर कट ऑफ है, उसको जानने के लिए उस पर क्लिक करके तुम जा सकते हो।
और आप मेरा जितना वीडियोज़ है उसको पहले एक बार और देख लेना अच्छे से आप कट ऑफ से रिलेटेड। देन आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद में आपको हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट किया इसमें, एंड देन हॉर्टिकल्चर उसके बाद और कोर्सेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इसमें। और आपको जो एक्सपेक्टेड रैंक है ना, वो आपको एक रेफरेंस के रूप में 1000 लिखना है। आपको 1000 रैंक जब आपको एक बिल्कुल राइट डाटा प्रोवाइड करेगा, आपको 18547 इसको आप जैसे इसको पुट करोगे और उसके बाद में सबमिट, देन आपको नीचे जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे आपको यूपी वाली यूनिवर्सिटी तो उसका थर्ड राउंड में मैक्सिमम, फर्स्ट राउंड में कितना था, सेकंड राउंड में कितना था, ये सब कुछ आपको इसमें डाटा दे दिया जाएगा। जैसे कि आपको अगर राजस्थान का आपको चाहिए कि नहीं, मुझे तो एग्रीकल्चर में कोटा के नियर बाई है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को देखो और उसको देखो, थर्ड राउंड में देखो 8809 रैंक पर बिहार के बंदे के लिए मिला है। और अगर आप उसी स्टेट से हो तो अगर उसी स्टेट का और बंदा भी उसमें अप्लाई कर रहा है, देन उसका कट ऑफ आपका हाई जाएगा। और इसमें देखिए जो बंदा यूनिवर्सिटी का देख सकते हो, विधान चंद्रा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और आरपीसी यूनिवर्सिटी, बाईएस फार्मर यूनिवर्सिटी, जितना भी यूनिवर्सिटी इस पर जाके तुम साइट पर देख सकते हो। और ऐसे ही आप जाके अपना कैटेगरी चेंज करके देख सकते हो, और अपना लिस्ट जरूर सेंड करना है तुमको। ये आपका हॉर्टिकल्चर के लिए आपको अब एक एक बात बताया जा रहा है आपको कैसे करना है हॉर्टिकल्चर के लिए। आप उसके बाद में ऐसे ही कर सकते हो आप, एग्रीकल्चर, देन कम्युनिटी साइंस, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक, जैसे कि बीटेक टेक्नोलॉजी का बताता हूँ आपको। और आपको जैसे इसमें आपको बोला, आपने सोचा कि नहीं मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, ओबीसी के लिए पहली बात तो इसमें मिला ही नहीं है, जनरल में जितना सीट्स है उसके लिए आपको करना है, तो आप ऑलरेडी इसमें फिल कर चुके हो, तो आपको देखिए डाटा आ गया। ये डाटा आ गया आपको, देखो जो भी आपने फिल किया था बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, कौन सा कॉलेज किस रैंक पे, और देखिए ये देखो आपकी दूसरी जो आपकी ये है, ये देखिए 37,000 रैंक पर अलॉट हुई है, और ये देखिए राजस्थान की जो 40,000 रैंक पर, कितना कितना रैंक पर ये देखिए। तो आप पहले ये जाके देखो ना, देखो कितना रैंक पे अलॉट हुई है, देखो ये देखो एनडीआरआई थी, मैं आपको बताया था ना जो अब सबके मोस्टली लोग इसको लेता है, देखो 25,000 रैंक पर। अब ये तो क्या जनरल के लिए है, अगर आप एस सी एस टी से तो आप उसका कट ऑफ और भी ज़्यादा जाएगा। देखिए ये कॉलेजेस का देखिए, और आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपके स्टेट में लेना है या आपको सेंट्रल लेना है, वो कॉलेज के लिए बता दूँ। तो ऐसे करके आपको अपना लिस्ट तैयार करना है, तो आपको जो बताया वो समझ आया होगा। और कोई भी डाउट हो तुमको किसी से रिलेटेड तुम बताना, बिल्कुल आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो और भी आपको लाइक जो भी कोर्सेज के लिए करना इस साइट की हेल्प से तुम कर सकते हो। और मैं जितना भी वीडियोज है उससे रिलेटेड पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ आपको, कि आपको किस कॉलेज में मैक्सिमम कट ऑफ पे आपका सेफ जोन में किस स्टेट के लिए मिला था, कौन से कॉलेज के मिला था आपको, जो सेफ जोन वाली वीडियो उनको आपको देखना, देन उसके बाद में आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए, मैंने बीएससी एग्री के लिए, हॉर्टी के लिए, फिशरीज के लिए, फॉरेस्ट्री, बीटेक, क्या कट ऑफ रहा था, कितना कॉलेजेस है, फीस स्ट्रक्चर का सब वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। इस साइट का आपको लिंक और मैं जो भी स्टेट में कौन सा सीट्स है, कितना सीट्स है, उन सब का लिंक आपको सेंड कर दूंगा। तो आई थिंक आपको जो वीडियो में बताया वो समझ आया होगा, और घबराने का जरूरत नहीं, बहुत आसान है, बस 10 से 15 आपको फिल करना है। आपको कैसे 10 से 15 देखना है आपको समझ आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे। और बिल्कुल कुछ भी छोटा सा प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, पूरा कोशिश किया जाएगा रिप्लाई देने का, क्योंकि अभी मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, बस 8 डेज रेस्ट है, मतलब 8 दिन बचा हुआ है बस मेरी एग्ज़ाम्स में, तो थोड़ा सा मुझे अपने एग्ज़ाम की तरफ भी देखना है। तो आपको जो भी, मैं पूरा कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।